गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव डोज के बारे में, राइट। देखो, जो रेडिएशन का एक्सपोजर जो है ना, वो पूरे होल बॉडी को मतलब यूनिफॉर्मली लग सकता है, राइट। इट कैन बी लाइक इट मे अकर, एक्सपोजर टू रेडिएशन मे अकर टू होल बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रेडिएशन, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल ऑर्गन्स जो हो वो एक्सपोज हो, राइट। यदि इंडिविजुअल ऑर्गन एक्सपोज होगा तो उस केस में बोलेंगे क्या, हम नॉन यूनिफॉर्म इरेडिएशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इरेडिएशन। यदि नॉन यूनिफॉर्म इरेडिएशन को रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, क्यों रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, यदि सपोज करो कि हम नहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट, तो क्या होगा कि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के होने की संभावना ज्यादा है, राइट। क्योंकि हर ऑर्गन के लिए जो है वो आईसीआरपी ने वो क्या किया है, हमें डोज लिमिट प्रोवाइड किया है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन को यदि इससे ज्यादा डोज लगेगा तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो है वो अपीयर होगा। और देखो, स्टोकास्टिक तो वैसे भी अपीयर हो जाएगा, सो डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक इफेक्ट दोनों ही अपीयर हो सकता है, एक डोज पर्टिकुलर एक्सीड करेगा तब। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि वो रीच ना करे, करेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और स्टोकास्टिक इफेक्ट, इसलिए जरूरी है कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट करें, कि इंडिविजुअल ऑर्गन को जो डोज, जो एक्सपोजर जो मिल रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, राइट। और इसीलिए आपके रेडिएशन प्रोटेक्शन में आपको पूरे रेडिएशन सेफ्टी की जरूरी, मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, इवन द रेडियो बायोलॉजी की भी। एक बार यदि आपको रेडियो बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि कैसे बॉडी में वो इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है और कौन सा मैकेनिज्म से बॉडी जो है हमारी डैमेज हो रही है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ना वो हेल्प करती है कि हम रूटीन लाइफ में एलारा भी इम्प्लीमेंट करें और हर समय हम अलर्ट रहें कि इंडिविजुअल ऑर्गन को जो डोज जो जाना चाहिए, राइट, वो भी रेस्ट्रिक्ट हो, ताकि उस ऑर्गन में हमारा जो है अब डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो है उसको हम अवॉइड कर पाए। ओके, सो ये बोला नॉन यूनिफॉर्म इरेडिएशन विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन ऑर्डर टू अवॉइड नॉट ओनली डिटर्मिनिस्टिक बट ऑल्सो स्टोकास्टिक इफेक्ट, राइट। आईसीआरपी रिकमेंड्स द डोज लिमिट फॉर स्टोकास्टिक इफेक्ट एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के लिए वो रिकमेंड करती है, राइट, ये डोज है, इस डोज के बाद वहां पर डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होगा। मान लो कि सेवरल टिश्यूज हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल T1, T2, T3, एंड इंडिविजुअली ये रिसीव करते हैं डोज इक्वावेलेंट HT1। मान लो T1 जो है वो HT1 रिसीव करता है, T2 जो है वो HT2 रिसीव करता है, और T3 जो है वो HT3 डोज जो है वो रिसीव करता है, राइट। देन द टोटल रिस्क जो है, टोटल रिस्क टू द इंडिविजुअल, राइट, वो भी क्या होना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सीड कितना, दैट विच इज जस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टिपुलेटेड डोज लिमिट टू यूनिफॉर्म होल बॉडी इरेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो कि होल बॉडी से किसी रेडिएशन, कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर से यदि होल बॉडी एक्सपोज होता है, राइट, तो हर ऑर्गन को एक पर्टिकुलर रिस्क है, करेक्ट, समझ गए। तो वो जो रिस्क जो है हर ऑर्गन को ड्यू टू यूनिफॉर्म रेडिएशन से, राइट, वैसे ही यदि इंडिविजुअली ऑर्गन जो रिसीव कर रहा है कोई डोज, तो उसका समेशन जो होना चाहिए, जैसे T1 HT1 डोज इक्विवेलेंट उसके लिए है, T2 जो है वो HT2 है, और T3 जो है वो HT3 है, तो इसका जो टोटल रिस्क जो होना चाहिए इंडिविजुअल ऑर्गन से, वो भी यूनिफॉर्म एक्सपोजर का जो टोटल रिस्क आना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सीड, बेसिकली, करेक्ट।
ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंसिटिविटी एंड द सीरियसनेस ऑफ द डैमेज. करेक्ट. क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है देखो, कि एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी और सीरियसनेस ऑफ द डोज, सॉरी सीरियसनेस ऑफ द डैमेज, मतलब हर ऑर्गन जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है. ऑल ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी जो है वो डिफरेंट है, और डिपेंडिंग ऑन द नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी, एक तो सेंसिटिविटी रेडिएशन के लिए वो सेंसिटिविटी जो है डिफरेंट है, प्लस कितना सीरियसली वो डैमेज होगा वो भी एक फैक्टर है, जो दोनों ही चीजें हमें कंसीडर करनी है. एंड बेस्ड ऑन दोज कंसिडरेशंस रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है. करेक्ट. और रिस्क फैक्टर जो है इट हैज बीन फाउंड टू बी एज एंड सेक्स डिपेंडेंट. करेक्ट. सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिस्क फ्रॉम स्टोकास्टिक इफेक्ट इन ए टिश्यू और ऑर्गेन मे कंट्रीब्यूट टू द टोटल रिस्क फ्रॉम द स्टोकास्टिक इफेक्ट. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिस्क फ्रॉम द स्टोकास्टिक इफेक्ट, किस एक्सटेंट तक जो है वो क्या करेगा, स्टोकास्टिक इफेक्ट जो है जो टिश्यू और ऑर्गेन में हो रहा है इंडिविजुअल वे इन टिश्यू एंड ऑर्गेन मे कंट्रीब्यूट टू द टोटल रिस्क ऑफ द स्टोकास्टिक इफेक्ट. मतलब आप समझ पा रहे हो, इंडिविजुअल ऑर्गेन को डोज लगेगा उसके अंदर स्टोकास्टिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है. राइट. तो एक रिस्क इनकर हो रहा है ना हर ऑर्गेन के लिए. राइट. तो जो टोटल रिस्क जो है स्टोकास्टिक इफेक्ट का उसमें जाकर के ऐड होएगा ना इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल की भी सेंसिटिविटी तो ऐड होगी ना. आप मेरी बात समझ पा रहे हो. एक तो होल बॉडी एक्सपोजर हुआ ना, सपोज करो कि एक इसके ऊपर आपका होल बॉडी एक्सपोजर हो रहा है तो यूनिफॉर्म तो डोज सारे ऑर्गन को लग ही रहे. करेक्ट. अब इससे एक पर्टिकुलर रिस्क है हमारे पास कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अलग अलग ऑर्गेन है और अलग अलग टिश्यू है. इन डिफरेंट जो टिश्यू जो है उनकी सेंसिटिविटी रेडिएशन के प्रति, जो भी रेडिएशन इसमें फॉल हो रहा है उसके लिए अलग अलग है. करेक्ट. और सबका सीरियसनेस ऑफ डैमेज भी अलग अलग है. करेक्ट. तो इंडिविजुअली यदि जो कुछ भी सीरियसनेस और डैमेज जो है वो टोटल रिस्क जो यूनिफॉर्म के चलते जो आ रहा है उसके साथ एड ऑन हो जाता है. करेक्ट. अब समझ में. उसका इंडिविजुअल सीरियसनेस और सेंसिटिविटी जो रेडिएशन से जो भी रिस्क आ रहा है वो पूरा यूनिफॉर्म जो एक्सपोजर हो रहा है उसमें जाकर के और एड ऑन हो रहा है, रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, रिस्क इज गेटिंग एडेड. यही बात बोल रहे. डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिस्क फ्रॉम स्टोकास्टिक इफेक्ट इन टिश्यू और ऑर्गेन मे कंट्रीब्यूट, राइट, मे कंट्रीब्यूट टू द टोटल रिस्क फ्रॉम द स्टोकास्टिक इफेक्ट. राइट. उसके लिए क्या किया, एक वेइंग फैक्टर जो है कॉल्ड टिश्यू वेटिंग फैक्टर इज असाइंड टू ईच टिश्यू और ऑर्गेन. उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हर ऑर्गेन के लिए एक टिश्यू वेटिंग फैक्टर असाइन कर दिया कि सीरियसनेस ऑफ डैमेज और कितनी सेंसिटिविटी है उसके बेसिस पे. तो टिश्यू वेटिंग फैक्टर का असाइनमेंट किस पे है, सेंसिटिविटी एंड सीरियसनेस ऑफ डैमेज पे. अब उस केस में हमारा इफेक्टिव डोज जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव डोज इज समेशन ऑफ इक्विवेलेंट डोज टू द टिश्यू मल्टीप्लाइड बाय द टिश्यू वेटिंग फैक्टर. राइट. तो एक एक ऑर्गन के लिए, एक एक टिश्यू के लिए उसका इक्विवेलेंट डोज मल्टीप्लाइड बाय उसका टिश्यू वेटिंग फैक्टर, ऐसे करके पूरे बॉडी के लिए जोड़ना है, बॉडी के ईच ऑर्गन की सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स टिश्यू वेटिंग फैक्टर. जैसे मान लो
आपकी ब्रेन के लिए, राइट, ब्रेन के लिए जो आपका इक्विवेलेंट डोज है मल्टीप्लाइड बाय ब्रेन के लिए टिश्यू वेटिंग फैक्टर प्लस थायराइड का. सो थायराइड का टिश्यू डोज इक्विवेलेंट एचटी मल्टीप्लाइड बाय थायराइड का टिश्यू वेटिंग फैक्टर प्लस अदर ऑर्गन्स. ऐसे करके पूरे बॉडी के ऑर्गन जोड़ने हैं, राइट, तब जाकर के बनेगा इफेक्टिव डोज. इसका यूनिट जो है वो सी वॉट है, राइट, वही जूल पर केजी ग्राम ही आएगा. और फाइनली जो है इसको जो एब्जॉर्ब डोज तो वैसे आएगा, राइट, और इसका फाइनली जो होता है जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है सी वॉट में जाता है. ओके, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है डब्ल्यू टी रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू टी टू द टोटल रिस्क ड्यू टू स्टोकास्टिक इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म इरेडिएशन ऑफ द होल बॉडी. याद रखिएगा, क्या यूनिफॉर्म रेडिएशन यदि होल बॉडी को हो रहा है तो कितना सीरियसनेस ऑफ डैमेज और सेंसिटिविटी है उसके बेसिस पे टिश्यू वेटिंग फैक्टर क्या है असाइंड है. टिश्यू वेटिंग फैक्टर कैसे असाइंड है, यूनिफॉर्म होल बॉडी रेडिएशन हो रहा है तो, करेक्ट, उस केस के लिए ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर असाइंड है. सो दिस वाज अबाउट द इफेक्टिव डोज.